नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी में इन दिनों धर्म की गंगा बह रही है। आपको बता दें कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान धार्मिक अनुष्ठान के तहत अभय सागर महाराज ने इसे पूर्ण नक्षत्रों की प्राप्ति वाला बताया। इस अवसर पर विदिशा के सिंघई परिवार को महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि विदिशा के पठारी में सिद्ध चक्र महामंडल विधान पूर्ण कोष को बढ़ाने वाला, आने वाली विपत्तियों का नाश करने वाला और हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि देने वाला है। उक्त प्रवचन आचार्य मुनिश्री विद्यासागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री अभय सागर, मुनिश्री प्रभास सागर, मुनिश्री निरीह सागर ने दिगंबर जैन मंदिर पठारी में आयोजित 8 दिवसीय चलने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति यज्ञ के प्रथम दिन दिए। उन्होंने बताया कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान अत्यधिक संचित पुण्य से ही संभव हो पाता है और इस विधान को श्रावक जन आसानी से नहीं कर पाते। तीव्र पूर्ण से ही ऐसे महिमावान विधान को करने में समर्थ होते हैं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के प्रथम दिन से ही जैन समाज में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। विधान ललितपुर से पधारे ब्रह्मचारी मनोज भैया के निर्देशन में एवं छतरपुर के राकेश बैंड पार्टी के संगीतमय ध्वनि एवं भजनों के माध्यम से प्रारंभ हुआ। प्रातः 6:30 बजे से मनोज भैया द्वारा मंत्रोच्चार के साथ श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा इंद्रो द्वारा करवाई गई। विधान के प्रथम दिन 8 चढ़ाए गए। विधान के पश्चात शाम के समय प्रतिदिन महाआरती की जाएगी और प्रथम दिन महाआरती करने का मंगल सौभाग्य सौधर्म इंद्र राजेंद्र कुमार, अशोक कुमार सिंघई परिवार को प्राप्त हुआ। सिंघई परिवार रथ पर सवार होकर सभी समाज जन के साथ नृत्य करते हुए मंदिर में आकर महाआरती की। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में जैन समुदाय के लोगों के साथ ही साथ धर्म अनुयायी उपस्थित रहे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तिजोरी का ताला जरा खोलो तो तिजोरी का ताला, हाँ कैसा आया ये अवसर। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।